तो आज फिर से हमने प्लान किया है आप लोगों को डराने का, बहुत सारा डराने वाले और खुद भी डरने वाले, पता नहीं क्या होने वाला है। एक्साइटेड है आप लोगों की इकलौती सबसे ज्यादा डिमांड के बाद ये वीडियो आ रही है वापस, और जो कि है दिल्ली कैंट कैंट। तो हम लोग जा रहे हैं, टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली रात के 2:30 बज रहे हैं, और फिर से हमारे शैतानी दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना जाया जाए। और वैसे भी सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दिल्ली कैंट पार्ट टू करो, तो पार्ट टू में पार्ट वन अगर किसी ने नहीं देखा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना। लेकिन पार्ट वन में एक चीज़ थी, हम लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, इस बार उतरेंगे, गाड़ी से नीचे जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। खतरों के खिलाड़ी तो हम शुरू से ही हैं, आपको पता ही है, सब कुछ होने के बाद भी साथ लेके चलते हैं अपने साथ ही सारी प्रॉब्लम्स। तो डोंट वरी, हमारे साथ ऊपर वाला है, रब है, तो कुछ नहीं होगा हमें। तो अब निकलते हैं, टाइम हो गया है 2:30 बजे जो मैंने आपको बताया है, गाड़ी निकाल ली है बाहर, सब लोग रेडी हैं, सबसे मिलवाती हूँ गाड़ी में। अदो गाइज दिल्ली कैंट पहुंच गए हैं, ये दिल्ली कैंट में अभी एंट्री कर रहे हैं हम, तो रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर आपको बिना लाइट मतलब लाइट बंद करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ मंजर है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सामने। और टाइम भी बता दो, टाइम दिखा दो यहाँ, टाइम हो रहा है 3:12। तो चलते हैं, तो पहले हमने सोचा है इस बार कहाँ से स्टार्ट करना है। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो हम वॉल सीमेंट्री नहीं जा पाए थे, तो अब हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि पहले हम वॉल सीमेंट्री ढूंढें। तो एक काम करते हैं, पहले वॉल सीमेंट्री चलते हैं क्योंकि वो भी हॉन्टेड जगह ही है, उसके बाद वो वाला जो मेन रोड है वहाँ पे चलेंगे लास्ट में। यार इस जगह की ना अजीब सी वाइब है, अंदर आते हैं ना एकदम डर सा लगने लग जाता है। ये वही जगह है भाई जहाँ मैं लोमड़ी दिखी थी, यहाँ पे लोमड़ी दिखी थी हमें पहले, पूरा जंगल टाइप में बना हुआ है यार ये। मैं देख रहा हूँ लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है। अच्छा कहाँ थी वो, लेफ्ट पे थी ना, यहाँ पे वो लाइट हमेशा ब्लिंक की कर रही होती है ना, नहीं अब ठीक हो गई। हाँ सिमेट्री का यहाँ से लेफ्ट है, फिंगर्स क्रॉस्ड। किसको लग रहा है डर, सबको, मुझे तो बहुत लग रहा है, मुझे अभी भी वो मंजर याद आ जाता है जो चीज हमें सामने से दिख रही थी आती हुई। ओम नमः शिवाय कर लो भाई, भगवान का मंदिर, ये कुछ ताकत देंगे हमें। गेट लॉक है, गेट बंद है, ये रास्ता ही है। हाँ ये यहाँ से राइट, टी पॉइंट से राइट था भाई, गेट बंद पड़ा हुआ है। अच्छा ये व्हाइट देखो भाई, ये इन्होंने कुछ छुपा रखा है, क्या कवर कर रखा है, गाड़ी से उतरने के लिए मेरा तो मन नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा यार, गाड़ी से उतरना पड़ेगा क्या। नुपुर ने इंटरव्यू में बोल दिया कि इस बार गाड़ी से उतरेंगे, पहले घर में कम
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही है जो एक और को छेड़ने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद घर में सब भूत ही रह रहे हैं और हम घर से बाहर हो। कोई बड़ी बात नहीं, वो घर का भूत इस गाड़ी में बैठा हमारे साथ। छेलो आए मैं तो हर जगह देख रहा हूँ कि कुछ दिख जाए तो यहीं से भागू। ये क्या है? लिटरली भाई ये बहुत डरावनी जगह है यार। विंडो नीचे करूं भाई? विंडो मत अभी नीचे करो, हम खुद ही नीचे होंगे, अब सीधा होंगे तो हम मत करो। मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने हमारी आंखों में। यार मेरा नहीं करता उतरने का मन भाई। काम करना सारे ना चिपक के साथ साथ रहना, हाथ पकड़ ले रहे एक दूसरे का, झुंड बना के चलना झुंड बना। मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मुझे डर लग रहा है। भाई गेट वगैरह सब लॉक कर लो यार, मेरे को लग रहा है कोई पीछे से आके गेट ना खोल दे। चल अब आए हैं तो दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। कहते हम जस्ट अभी बहुत सिमेट्री के लिए उतरे हैं गाड़ी से और कुत्ते भौंकने लग गए। कुत्ते दिख गए हमें, ये सामने बहुत सिमेट्री दिख रही है हमें, देखो आप। वहाँ से भी भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, उस साइड से भी आ रही है आवाज़ें। हर तरफ अभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बाहर ही हैं हम तो। हम ट्राई कर रहे हैं कि अंदर जा पाए अगर हो सके तो, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। नहीं पता ये सिमेट्री किस लिए, यहाँ पे सोल्जर्स की ग्रेव है एंड देयर आर 1154 ग्रेव्स इनसाइड दिस सेमेट्री। और अंदर जाने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है और ये डॉगी हमारे साथ साथ चल रही है, इतनी देर से भी यहाँ आ गई है देखो। तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जाने की बट नहीं हो पा रहा, अभी डर लग रहा है अंदर, थोड़ा सा हिम्मत लेकर आ रहे हैं अपने अंदर। तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं या कहीं और आगे। नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जाना, मेरा भी मन नहीं है जाने का, देखते हैं आगे। वो उस रोड पर चलते हैं भाई, वो जो हमें कुछ दिखा था अगर यार
मेरा मन तो बहुत है अंदर जाने का, लेकिन ना घबराहट हो रही है। कोशिश करें, अगर जा पाएंगे तो, नहीं जा पाएंगे तो वो रोड तो है, वहाँ तो जाना ही है। अंदर कोशिश करते हैं, वहाँ चलने की। अंदर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, मैं बाहर से ही नहीं देख पा रहा मैं सही से अंदर, तो अंदर जाना ठीक नहीं है, तो अंदर नहीं जाएंगे, आप कहीं और चलते हैं यहाँ से, यहाँ तो नहीं। अंदर तो मतलब इतनी सारी कब्रें हैं ना भाई, नीचे दिख रहा है साफ कब्र ही। 1154 इज टू मच। कितनी है? 1154। ये कुछ भी हो सकता है ना आगे भी। नहीं तो सुन के हालत टाइट हो गई है। मैं तो जाने वाला ही नहीं हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा यहीं से। इतना स्कैरी लग रहा है देखने में यार, तो अंदर तो मैं तो नहीं जाने वाला। हम मतलब सारे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली अब, क्योंकि चलो फिर एक काम करते हैं, हो नहीं पाएगा। चलो एक काम करते हैं, ये आवाज़ भी आ रही है कुछ, अगर आपको आ रही हो तो कैमरे में आई हो तो पता नहीं, हमें तो आ रही है काफ़ी देर से। गाड़ी से बोलते तब भी आ रही थी, अब भी आ रही है। अब उस रोड पे जाने की ट्राई कर रहे हैं जो मेन रोड है यहाँ की। वॉस मिट्टी पे तो हमारी हालत नहीं है अंदर जाने की। तो गाइस अब हम निकल गए हैं वापस के लिए, क्योंकि हम अंदर तो जाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चारों में। मेरे में तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत डर गई थी। और आवाज़ें इतनी ख़राब आवाज़ें आ रही है ना, नॉन स्टॉप आ रही है आवाज़ें, मतलब बिना रुके। और अभी तो टाइम भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती अंदर, ना मैंने इन लोगों को जाने दिया। इसलिए हमने म्यूचुअल डिसाइड किया कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। आज हमने सोचा था कि जाएंगे पर अटेम्प्ट कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे ना देख कर इस जगह को। तो और यहाँ पे भी आई थिंक समबडी वाज स्टैंडिंग। हां, इसमें ना दिख रहा था थोड़ी देर पहले, इसमें दिख रहा था कुछ थी झलक टाइप दिख रही थी, पर अभी तो अब हम वापस उसी रोड पे जा रहे हैं जिस रोड पे जो मतलब यहाँ की मोस्ट हॉन्टेड रोड है। वो रोड हमें फर्स्ट टाइम तो मिल गई थी, इस बार मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत पतली पतली गलियां थी भाई। पीछे झूला हिल रहा था, देखा आपने? हाँ यार। गाइस फाइनली हम उस रोड पे आ गए हैं जो पहले व्लॉग में, पहले दिल्ली कैंट के व्लॉग में हमें बहुत दिखा था। हालांकि वो वाली रोड नहीं है जो यहाँ की मोस्ट वांटेड रोड है, ये वो रोड नहीं है, बट हमें यहाँ पे दिखा था जो दिखा था वो जो व्हाइट वाला बंदा भागते हुए। भाई ये देखो सिग्नल, हमने उस टाइम तो नोटिस नहीं किया था, यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है, पीपल है, बरगद है, क्या है भगवान, पीपल है, पीपल पीपल है, बरगद है, ये आगे पीपल है, उधर की साइड बरगद है, दोनों पेड़ एक साथ। हाँ, पीपल का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ भी है, दोनों ही हॉन्टेड। और गाइस यहीं पे ये चौराहे पे आके वो चीज रुक गई थी सफेद कपड़ों में जो भी थी, और रूट से आ रही थी। और कहते हैं कि इनकी सरहद यहीं तक होती है, पीपल के पेड़ तक या चौराहे तक, बिल्कुल सामने देखो ये बिल्कुल वहां से आया था कोई। भाई लेफ्ट ले लो भाई, मैं तो डर रहा हूँ, मत रोको इधर भाई, मुझे वो सेम चीज दिख रही है कि यहीं से जो आई थी, वो चीज जो आई थी आंखों के सामने, मंजर पूरा रिवाइंड हो गया। और फिर हम रिवर्स लेते हुए यहाँ से चले गए थे। ये देखो ये पेड़ कितना डरावना सा यार, ये तो सही यार, इस जगह में कुछ ना कुछ बड़ी नेगेटिव वाइब्स है आगे। चलो यहाँ से तो चलते ही है भाई, इस जगह पे तो मुझे दोबारा कुछ भाई स्लोगन ना। आगे से है भाई, इसी जगह से। हाँ भाई, यहाँ से तो जंगल स्टार्ट हो जाता है। चलिए इस घर के अंदर। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भाई? इसमें तो पिछली बार भी नहीं जा पाए थे, मैं नहीं जा पाए। पहले आगे लेना, आगे लेना। बिल्डिंग लग रही है।
भाई डर लग रहा है मेरे को तो यहाँ से मोड़ लो। मुझे उस रोड का रास्ता बताओ, जल्दी चलते हैं, वो कवर करके यहाँ से बस लेफ्ट राइट भाई इस साइड से ही आता है। चलो आप चलो, कहीं यहाँ से ना आता। नीचे का कुछ हिल रहा है रवि, रोक पीछे 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 थोड़ा पीछे, मैं थोड़ा पीछे, विंडो नीचे भाई, विंडो नीचे देखो, विंडो नीचे देखो भाई, विंडो नीचे रोक दो, रोक दे। भाई कुछ बैठा हुआ है ना, सिर्फ हमें देख रहा है। ओए हिला हिला, ये है ना रवि, कुछ काम कर भाई, निकाल भाई, निकालो भाई, निकालो निकालो, आगे चलो प्लीज भाई, भाई बंद कर दो विंडो, बंद कर दो प्लीज भाई। थोड़ा सा और आगे आए हैं और ये लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पे, पता नहीं मैंने हॉन्टेड मूवीज में, हॉन्टेड शोज में हमने देखा है कि लाइट हमेशा ब्लिंक होती है जब कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है आपके साथ। अरे यार दिल्ली के एंड में हमेशा एक ना एक लाइट ऐसे मिलेगी। फर्स्ट टाइम आया तब भी लाइट ब्लिंक हो रही थी, अब भी हो रही है। यार वो रोड बता दो मुझे कहाँ पे है भाई। भाई ये वो रास्ता नहीं है, ये जंगल है यार भाई, ये है स्कूल साइड का। वो लाइट नहीं है, वो यही वो रोड है जो दिल्ली मोस्ट हॉन्टेड रोड है। यहाँ लाइट नहीं है इस बार यार, थोड़ी सी आगे वो नाले वाला रोड है, ये वो रोड है। थोड़ा ध्यान से गाइस, ये यहीं से स्टार्ट होता है भाई वो रोड। ये रोड की जगह कैसी है भाई, एकदम एक बंदे के ना बंदा ना बंदे की चार। यहाँ पहले तो एटलीस्ट लाइट थी, अब वो भी नहीं है। पहले बहुत सारे लाइट थी। ये हो रहा है फार लेफ्ट, वो ये रिशर्ट ये लाइट ये है दिल्ली कैंट की मोस्ट वांटेड रोड। यही बोलते हैं कि इसमें कुछ नजर आता है, हमें पिछली बार तो यहाँ नहीं नजर आया लेकिन वहाँ नजर आया था। पिछली बार एपिसोड पे आए थे, हाँ आए थे, हमें कुछ दिखा नहीं था शायद, हम गाड़ी से उतरे भी नहीं थे ना, गाड़ी से उतरना। जब हम आए थे तो हमें यहाँ पे नहीं दिखा था, हमें पिछली बार जब आए थे हम ये लाइट भी ब्लिंक हो गई थी, मुझे ये वाली याद है। नहीं अब ये बताओ कि गाड़ी से उतरना है या कैसे करना है। गाड़ी से उतरना है, तो भाई आप पेड़ ही भर गंदे, पेड़ गिरे पड़े हैं भाई यहाँ पे। भाई बस एक बार ना ऐसे चलते हैं, पहले चलते हैं क्योंकि बोला था ब्लॉग में कि पहले जाना है, पहले चल के देखते हैं एक बार। जो भी करना फटाफट करो फिर। चलो उतरते हैं भाई, बहुत गाड़ी से बहुत छूट हो गया। गाइस यही है वो रोड, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, पूरा सारा साफ पड़ा हुआ है। अभी तो मेरे को पीछे वो लोमड़ी भी दिखी थी, वही वो दो थी इकट्ठी, एक के बाद एक दिखी थी। ये पूरा एरिया ना जंगली, और यही की कहानी जिस रोड पे हम है ना नानी, इसी रोड की कहानी है कि यहाँ पर ही वो जो चुड़ैल पीछे पड़ती है वो क्या।
राहुल पीछे 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 भाई भाई कुछ है कुछ है पीछे 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 अरे भागो भागो भाग 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 भाई क्या था भाई भाई पता नहीं भाई क्या सीन था भाई बाहर क्या मामला है यार तेरी निकल यहाँ से निकल 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 भाई यहाँ से निकल भाई 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 अब गाड़ी लगाओ अब गाड़ी लगाओ दिमाग खराब है मैं गाड़ी चढ़ कर निकल भाई यहाँ से वो आगे की तरफ ना आ रहा हूँ भाई पीछे लगा से तो भाई क्या देख लिया यार वो कोई बोर्ड था ही कसम से इंसान था भाई चल क्या रहा था भाई तरफ अच्छा वो चीज नीचे झुक गई थी एक मिनट के लिए मैं देखी है उसी रोड तो बिल्कुल वो मोड़ पे है भाई जो भी सीन है वो जो लास्ट भाई 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 मत लेना मत लेना बिल्कुल जो डेड एंड दिख रहा है ना गाइस आपको बिल्कुल लास्ट में कुछ भी उड़ा दियो खींच कर रख गाड़ी को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भाई भगाओ भाई तेज और तेज खींच कर रख खींच कर रख खींच कर रख रुको 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 कुछ उड़ा दियो रुकियो मत यहाँ पे निकाल ले बस निकाल ले भाई भगाओ भाई तेज चलाओ निकाल ले निकालो निकालो यही था ना भाई गेट खोलो गेट खोलो तुम्हारा खींच के रख भाई हमें सर दर्द हो गया अचानक यार निकलो भाई यहाँ से गाइस गाइस कहीं पहुंचते हैं पहले कहीं बाहर अच्छी सी जगह पे अबे ये क्या ये गेट यार ये भाई एक गेट बंद पड़ा अबे बैक करो निकलो फटाफट यहाँ से बस भाई पीछे वो हिला झूला अबे भाई झूले तो सुबह जब से आए तब से हिल रहा है भाई 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 पीछे दिखाओ पीछे दिखाओ झूला दिखाओ झूला भाई पहले भी हिल रहा था झूला यार गाइस देखो भाई क्या मजाक है भाई अच्छा भाई देखो एक ही हिल रहा है सिर्फ एक हिल रहा है वहाँ से निकल के बड़ी मुश्किल से भाई भाग भूग के बड़ा ही गंदा मंजर था पता नहीं क्या देखा है वो क्या चीज थी यार वो वाइट वाइट सी पता नहीं क्या था वो हॉन्टेड वो सच में हॉन्टेड है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखता है भाई मैंने तो पहली बार मतलब देखा कुछ वहाँ पे ऐसे जब देखा ना तो ऐसा लगा कोई बोर्ड है कोई कुछ करके तो शिवांग इन्होंने भी कहा था शिवांग भाई ने इनको भी बोर्ड ही लगा था शुरू में पर मैं वहाँ पे रुका इसलिए था कुछ सेकंड्स के लिए ना कि एक बार मैं श्योर हो जाऊं कि वो चीज है क्या पर लिटरली जब वो चीज चल के अपनी तरफ ही आने लगी ना तो उसके बाद तो जो भागे हैं हम लोग भाई दिल्ली कैंट ऐसी जगह है जहाँ पे जाओ तो कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ही हम दो बार गए दोनों बार हमने वो चीज देखी इस बार रोड दूसरा था जो मेन जिस रोड को जो मेन रोड बोलते हैं कि जहाँ पे वो चुड़ैल टाइप है उसी रोड पे हमें वो चीज दिखी पता नहीं वो क्या था भाई मुड़ के हमारी तरफ चलते हुए भी आया हाँ वो वापसी में लेकिन जब हम गाड़ी लेके भगाते हुए गए तब वो चीज नहीं थी वहाँ पे तो पता नहीं वो वहाँ से और आवाजें तो काफी देर से आई थी आवाजें बहुत यार ऐसी पता नहीं क्यों जगहों पे बहुत आवाजें होती हैं तुमने एक चीज नोटिस करी हमारे जब हम पिछली बार दिल्ली कंट में आए थे उस वक्त जो भी चीज हमें दिखी थी वो कितनी तेज हमारी तरफ चल के आ रही थी ये सब हाँ ये सब पर इस बार धीरे धीरे ये बहुत स्लो थी स्लो और भाई वो झूला जो हिल रहे थे भाई झूले का तो बेड़ा करके यार झूले का तो थ्रू आउट दिस मतलब भूल ही गए हम बताना मेन तो वही था जब से हमने एंट्री करी है तब से कोई ना कोई झूला धार ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चीज हमें बुला रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो चीज हमें फॉलो कर रही है कि जहाँ हम जा रहे हैं देख रहे हैं वहीं पे कुछ एक्टिविटी हो रही है हम इधर पार्क से निकल रहे तो इधर के पार्क के झूले चल रहे हैं इधर चल रहे इधर के साइड के झूले चल रहे हैं
हर जगह ऐसी लग रहा था कि चीज हमें फॉलो कर रही है भाई, बहुत ही भाई सीन आता और वॉल से मिट रही की अलग ही नेगेटिव वाइब है कि हम उसके 10 कदम दूर खड़े थे तब भी हम ऐसे कांप रहे थे डर के मारे, हमारा हमारे में हिम्मत नहीं होती थी कि हम अंदर घुस भी जाएं भाई। यार सोच के तो बहुत गए थे हम सब कि वॉर सिमेट्री के अंदर जाएंगे अंदर शूट करेंगे, लेकिन नहीं, वॉर सिमेट्री के अंदर इतनी आवाजें आती है ना, कभी जाके देखना रात को, बड़ी अजीब अजीब आवाज आती है उसके आसपास से तो भाई। और उसके बाद तो एक आवाज तो रिकॉर्ड भी हो गई, रिकॉर्ड भी हुई है, बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ, आप देखो देखना वीडियो, देख ही रहे हो ऑब्वियसली भाई, बहुत गंदा सीन है यार वहाँ पे तो गाइस, मतलब हॉन्टेड प्लेस है वो, है ही वो, बोलते नहीं है वो सच में, वहाँ कुछ ना कुछ तो सीन है, दिखता है ये सब कुछ यार, है यार चीजें दिखती है हर बार, ऐसे थोड़ी होता है। तो गाइस जो भी था हम लोग डर गए और काफी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस बार हमारा। कई बार अब जैसे हम भूली भटियारी गए थे तो हमने वहाँ पे आवाज सुनी थी बट हमें कुछ विजुअल नहीं दिखे, तो इट वॉज फाइन कि हो सकता है किसी भी चीज की आवाज हो, लेकिन ये विजुअल जब भी हम गए हैं दिल्ली कैन फर्स्ट टाइम गए, इस बार गए, दोनों टाइम हमें दिखे हैं। पहले हर चीज को इंसान महम समझता है जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता, तो आंखों से जब देखी तो अब वो कुछ चीज थी जिससे हम भागे। उसके बाद तो हमने दोबारा इतनी कोशिश नहीं करी कि हम और देर रुकते, हमने गाड़ी में ही आए और वहीं से निकलने की कोशिश करी दोबारा, पर दोबारा नहीं दिखा। तो अब आए हैं मूड को थोड़ा लाइट करने क्योंकि नींद भी बहुत आ रही है, थक गए हैं, आंखों से दिख रहा होगा आपको। तो हम आए हैं अपने दूसरे नए दिन की शुरुआत करने के लिए बनमस्का खाने, अपनी फेवरेट जगह पे। Here we go. Thank you. आ गया हमारा बनमस्का और ब्रेड टोस्ट। दिखाओ जरा, नीचे करो। So pretty. Thank you भैया। कितना प्यार लग रहा है यार। अभी मेरे पेट में जाके और भी प्यारा लगेगा, पता है? क्या बात कर रही है? सही में। खा के दिखाते हैं। चलो। बंदे एक बड़ा वाला पैकेट पकड़ा दे। किस किस को भूख लग रही है भाई? मुझे एक को, मेक को। मुझे दोनों हाथों से। बहुत ज़्यादा। प्रसाद है क्या? उतर ले लियो उसने अपने लिए पहले दिन। चाय भी आ गई, चाय पकड़ो, चाय पकड़ो। दादी मैंने कहा था तेरे कड़क बन भाई हो। सफेद लेके आ गया बिल्कुल। भैया एक पत्ता और दे देना जरा। किस चीज का पत्ता? एक पत्ता और पकड़ लेना, पत्ता खाली पत्ता। ताश का। ये क्या कहते हैं इसको? ताश का पत्ता। अरे ये जिसके ऊपर ये रखा हुआ है डोना सा। अभी तक के लिए अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे करें कमेंट, क्योंकि हमारी सभी वीडियोस होती हैं जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये कह